यस आई वांट हो गया कैप्चर तो क्या जो तो नीयत खराब तुम देखना आगे देख तो तुम इधर 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 ये क्या होता है ये तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और दो गुब्बारे आने इधर ये फुला दिए हैं। बस इतनी मेरी हिम्मत थी, एक और फुला दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक यार ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने आपके बर्थडे पे 2 बार गुब्बारे फुलाए थे, एक बार रात नहीं में एक बार अगले दिन सुबह। मैंने पहली बार ये देखा होगा कि जिसका बर्थडे है वो अपने गुब्बारे फुलाने में खुद मदद कर रहा है। ये पूछते आने लगे यार आपने, क्या पूछते रहोगे तो क्या हो गया? अभी कोई है नहीं एक्चुअली हेल्प करने में, तो मेरे को थोड़ी सी दया आ गई कि एक इंसान इतने सारे गुब्बारे कैसे फुलाएगा, तो मैंने सोचा कि मैं हेल्प कर देती हूँ थोड़ी सी। वैसे हमारी लाइफ में हर वो चीज़ होती है जो किसी की लाइफ में नहीं हो रही होती, और आज मेरे साथ सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि मैं अपने बर्थडे पे खुद अपने गुब्बारे फुला रही हूँ। तो ये भी कुछ सब बहुत डिफरेंट है, बट कोई बात नहीं, बहुत मज़ा आता है अपने बर्थडे की तैयारी। यार अगर एक बात बताओ, दो लोग साथ में रह रहे हैं तो कैसे वो इस चीज़ को सस्पेंस रख सकते हैं? अब हम साथ में मार्केट गए तो मैंने देख लिया यार केक लिया जा, एक्चुअली मुझे पता नहीं था। बर्थडे के लिए केक तो हम ले आए थे, लेकिन मोमबत्ती लाना भूल गए थे, तो अभी घर पे सिर्फ एक ही मोमबत्ती मिली है, तो इसी से हम अपना काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ना बचपन में पढ़ा नहीं है, तो आज मेरे को लिखना नहीं आता, तो लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। ये देखो, एक तो इस केक में जगह नहीं थी नाम लिखवाने के लिए, एक तो इस केक के ऊपर जब ये खुलेगा ना जगह नहीं थी तो उन्होंने नाम नहीं लिखा। बट ये जो भी आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये मैं खुद से ही लिख रही हूँ। केक लाने वाला मेरे लिए कुछ भी नहीं लिख रहा। लिख दो यार, मैंने इतना लिख दिया, अपना नाम तो लिख दो। क्यों, बहुत मेहनत करी है आपने इसमें लिखने बिल्कुल। में। क्या लिखा है? माय डियर वाइफ सुनैना। मेरा दिमाग भी पकड़ गया था, ओवर हीट हो गया। केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, अब मुझे नहीं लगता कि सुबह तक किसी के लिए बचेगा। हम लोग खाते हैं आराम से, साल में बर्थडे एक ही बार आता है। तो हमारा रात वाला जो बर्थडे का सरप्राइज था वो यहीं पे ख़त्म होता है। अभी हम लोग बाकी की जो अपनी बर्थडे की सेलिब्रेशंस हैं वो कल सुबह उठ के करेंगे, क्योंकि घर पे सभी लोग सो चुके थे, बट कल सुबह सब लोग उठ जाएंगे तो बाकी की सेलिब्रेशंस कल करेंगे। ये जितने भी बलून्स हैं, ये सारी डेकोरेशन, हम इनको बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही रहने देंगे और आगे देखते हैं कल सुबह उठ के। अभी हमने सिर्फ केक कटिंग किए, केक खाया है, बस अभी हम लोग सो जाएंगे, फिर मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह। गुड नाइट। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल रात के बाद आज हम सुबह उठे हैं 8 बजे, उठ तो 7 बजे गए थे, धीरे धीरे उठते उठते 8 बज गए, कोई बात नहीं हो जाता। और ये जो मेरे पीछे आप बलून्स देख रहे हैं, मैंने इनको सबको एक कोने में कर दिया। मैं इनको सुबह से बचाने की कोशिश कर रही हूँ, ये ना टूटे ना टूटे, बट ये मानते नहीं है, ये फूटे फूटे एग्जैक्टली फूटे, बट ये एक एक करके फटते जा रहे हैं। जैसे ही मैं किचन में जा रही हूँ उसके बाद आवाज़ आती है पीछे से फट, और सुबह से 5-6 फट चुके हैं, रात में भी हमारे फुलाते फुलाते फट गए थे। चलो देखते हैं, मैं कोशिश करती हूँ, मैं चाहती हूँ ये मैं डे एंड तक इनको रखूँ, मैंने तो फोड़ना नहीं चाहती, बट बाकी आज हमारी शाम की क्या प्लानिंग है?
शाम की प्लानिंग आज थोड़ी सी सरप्राइजिंग हो सकती है क्योंकि ऐसा जैसी कोई प्लानिंग नहीं है। ये सही है, अगर आपकी कोई प्लानिंग ना हो तो उसे सरप्राइज का नाम दे दो। देखो ऐसा है, एडवांस में भी प्लानिंग बनाने का कोई फायदा नहीं है। हम बनाएंगे 4:30 बजे के बाद जो भी प्लानिंग होंगी, उसके बाद हम देखते हैं क्या करेंगे। फिलहाल तो एक ही प्लानिंग अभी है। तो दाल चावल की प्लानिंग, हाँ बस एक ही प्लानिंग है, दाल चावल खाएंगे और सो जाएंगे। हमने दाल चावल बनाया, अभी तो ये प्लानिंग है, दाल चावल खाएंगे और सो जाएंगे क्योंकि रात की रोटी ना दाल नून रोटी नून रोटी खाएंगे जिंदगी यूं ही दाल भात खाएंगे आज तो हम दाल भात खाएंगे दाल भात सो जाएंगे। तो चलिए गाइस, अभी जल्दी से हम लोग नहा लेते हैं, अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, लंच कर लेते हैं और आपसे मिलते हैं अभी दोपहर के बाद। ओके देन, बाय बाय, हैव फन। तो गाइज इस तरीके से मैंने आज अपना बर्थडे बनाया। एक्चुअली हम लोग गए थे आज शाम को खाना खाने के लिए, बट हम लोग अपनी फैमिली के साथ गए थे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला आज वीडियो को शूट करने का क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी जल्दी में प्लानिंग की थी। वो जल्दी जल्दी गए, ऐसे आज का ये जो बर्थडे वाला मेरा दिन था ये ख़त्म होता है। हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा किया, रियली बहुत मज़ा आया और बहुत सारे लोगों ने मुझे विश किया है, थैंक यू सो मच उस चीज़ के लिए। तो गाइज इस व्लॉग के लिए बस इतना ही, आप लोगों से फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में कल दोबारा। ओके देन, गुड बाय। कल नहीं तो परसों जरूर, हाँ परसों जरूर मिलेंगे, एक नए व्लॉग में मिलते हैं। इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट। सो कोई भी सेलिब्रेशन की जो एंडिंग होती है वो मीठे के बिना नहीं होती और हम मीठे में लेकर आए हैं फालूदा। सो अभी हम लोग फालूदा खा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग बार बैठ के इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि टिंगू को पता चल गया तो जल्दी से आ जाएगा। वैसे भी मैं उसे बहुत छुप के लेके आई हूँ फ्रिज में से। तो कैसा रहा आज का डिनर? बढ़िया, एंजॉय। 18 साल बाद गए हैं उसमें भिवानी की भिवानी में। एग्जैक्टली एक्चुअली हम लोग ने शाम में खास में गए थे तो शाम में खास के जो भी लोग हमें हमारे ब्लॉग पे देख रहे हो बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं तो आज हम लोग शाम में खास में आए थे फुल फैमिली के साथ, बट आज वहाँ पे कोई शादी का कोई फंक्शन था शायद, राइट? हाँ, तो फिर हमें गेट से आज वापस जाना पड़ा। तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम आएंगे। जल्दी से फालूदा खा लेती हूँ वरना पता चला मैं ब्लॉगिंग करती रह गई और मेरा फालूदा ख़त्म हो गया। माइट भी कोई शॉर्ट कैप्चर हो जाए। यस आई वांट। हो गया कैप्चर तो? क्या जो नीयत खराब तुम देखना आगे देखते तुम इधर 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 ये क्या होता है ये? आज मेरे को लग रहा है इसने पुराने जैसा बना रखा है ना, पूरा गुलाब गुलाब डाल के रोम सा। यार इससे मैंगो वाली आइसक्रीम डलवा रखी क्या अपने? ऐसे कहते 2 चम्मच तो खा लो। वो भी यहाँ के लोग है ना, लोकल। कौन सी शॉप से लेके आते हो? लोकल है यार, बिल्कुल अपने घर बनाते हैं, रेडी लगाते हैं। नहीं, कौन से चौक से लेके आए हो? ये बीटीएम चौक। बीटीएम चौक पे मिलता है फालूदा। प्लीज यार एक बार ट्राई करके देखना, रियली बहुत टेस्टी है, बहुत 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 ज्यादा अच्छा है। बट इसमें अभी ड्राई फ्रूट नहीं है ना, या इसमें आइसक्रीम वाले में थे नहीं? खा गया मैं ड्राई फ्रूट। 3 चम्मच तो खाने दो।